तो दोस्तों कैसे आप सब, फिर से एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। सेम डे संडे, जाओ वाली वीडियो कैसी लगी? मस्त थी ना? तो एक और तुम्हारे लिए एक मॉडिफाइड बाइक, मतलब प्रॉपर टूरिंग टाइप भी बोल सकते हो मैं इसको, भी काफ़ी सारा इसके अंदर एक्सेसरीज लग रखी है। सो फटाफट चलते हैं बाइक की तरफ, बाइक के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इन्जॉय करो इसके सिनेमेटिक शॉट और एक वॉक अराउंड, उसके बाद आपको बाइक की एक एक डिटेल दिखाता हूँ और जिसकी बाइक है उससे भी आपको मिलूंगा। ठीक है, चलो। हमारे पास KTM Duke 250 जो कि अराउंड आई थिंक ये 2017 मॉडल है, पर उसके ओनर से मेरे को पूछना है, मैं बस उससे बाइक लेके आ गया अपने पास वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो Duke 250 ऑरेंज कलर की है, आप इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी सारी एक्सेसरीज लग रखी है, जैसे पीछे जाना का केरियल वाला जो आता है टॉप बॉक्स वाला रैक, और ये आपका जाना के क्रैश गार्ड लग रखे हैं, फॉग लाइट वगैरह लग रखी, वाइजर एंड ऑल, फुल्ली ये टूरिंग पर्पज से इसको मॉडिफाइड कर रखी है दोस्त ने हमारे। सो बड़े बड़े चलते इसके एक एक चीज़ के बारे में आपको बता दो, इसने क्या क्या एक्सेसरीज लगा रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक वाइजर की। ठीक है, तो ये वाइजर आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से फिटिंग करा रखा है, फुली नट और बोल्ट से इसको फिट करा रखा है। और जो कि ये वाइजर है, ये मैं आपको बता दूँ, ये है आपका जो फेजर बाइक आती है यामा की, उस बाइक का ये वाइजर है और काफ़ी अच्छी तरीके से बाइक ने फिटिंग करा रखा है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो इसने ऐड ऑन इंडिकेटर के साथ इन्होंने ये क्या कहते हैं इसको, LEDs, ऑरेंज कलर की LEDs है जो इसके फ्रंट शॉक है इसके अंदर अच्छी तरीके से लगा रखी है, दोनों साइड यहाँ भी है यहाँ भी है, काफ़ी प्यारी लग रही है दूर से और रात में देखो तो बहुत अच्छी लगती है। सो एक इसने ये ऐड ऑन कराया, आप देख सकते हो इसका नंबर प्लेट जो होता है वो यहाँ आता है। सो जब भाई ने वाइजर लगाया तो इसके नंबर प्लेट की प्लेसमेंट इसने चेंज करा दी है, और उसके लिए स्पेशली एक होल्डर आता है नंबर प्लेट का जो मरगार्ड पर लग जाता है, यूनिवर्सल होता है ऐसे। सो ये भी जाना का ही है, तो भाई ने लगा रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मरगार्ड के ऊपर, और इसकी लुक को भी काफ़ी इन्हांस कर रहा है, क्योंकि नंबर प्लेट टूरिंग बाइक में मोस्टली देखोगे नीचे ही दिख रही होती है, और आजकल जैसे मॉडिफिकेशन लोग कर रहे हैं तो ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो रखी है और मोस्टली लोग लगा रहे हैं। सो कमेंट कर बताना को कैसा लगा। और भाई ने एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर रखी है, जैसे बार एंड मिरर एक ये लगा रखा है जो कि थोड़ा सा हिल रखा है, आई गेस इसको रिपेयर वगैरह कराना है, तो एक ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है। और भाई ने एक यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा रखा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और ये किस कंपनी का है, आई गेस ये रोल बाग से लिया हुआ है, चाइनीज़ ही है वैसे, बट बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। सो एक ये है क्रैश गार्ड, मैं आपको दिखाई चुका हूँ जाना के क्रैश गार्ड, और आप लोग देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी। मैं भी अपनी बाइक के बारे में सोच रहा हूँ, देख सकते हो आई गेस ये बाइक गिरी भी है, अभी भाई से पूछूंगा ये बाइक कब कैसे कहाँ गिरी थी। भाई ने छोटे छोटे स्टिकर्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो सुपरमैन का, एक्रोपॉबिक का, एक ये स्कल का, तो छोटी छोटी चीज़ें करा रखी है। टायर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ऑफ रोड टायर लगा रखा है भाई ने, जो कि है 140/70/17, और आई गेस ये है आपका, एक सेकेंड, सो ये रालको कंपनी का टायर है, ऑफ रोड टायर है जो कि आपके डर्ट टेरेंट्स वगैरह में काफ़ी काम आने वाला है। और आप पीछे देख सकते हो ये भी जाना का ही है, केरियल होता है एक तरीके से, आप इसके ऊपर अपना टॉप बॉक्स लगा सकते हो, कोई अपना लगेज वगैरह बैग वगैरह इसको रख के आप लेके जा सकते हो, तो प्रॉपर टूरिंग पर्पज से भाई ने बना रखी है बाइक। और ये काफ़ी चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जो कि मैं भी सोच रहा था अपनी बाइक पर लगाऊँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है लोग आजकल, काफ़ी लोग अपनी कार्स वगैरह में लगा रहे हैं, भाई ने अपनी बाइक पर लगा रखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके बताना भाई बाइक कैसी लग रही है आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी एक दो चीज़ें और, जैसे यहाँ पे एक स्टिकर है, ये भाई का टैंक का पैड काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉरी यार थोड़ा ना कोल्ड हो रहा है आजकल, तभी ठीक नहीं, देख लो भाई स्टिल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो कमेंट करके बताना बाइक आपको कैसी लगी। और इसके अंदर भाई ने जो फॉग लाइट लगा रखी है, मैं आपको एक दिखा दूँ। ओके, तो ये क्रिए LED वाली SJG की, ये इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जो, जैसे मैंने अपनी SJG की लाइट लगाई, सेम उसी कंपनी की लाइट है ये, KZ30 लाइट है, जो कि मैं भी सोच रहा था लगाने की। इसके अंदर एक ऑप्शन भी और आता है, आई गेस ये वही वाली है, नहीं आई गेस ये वो वाली नहीं है, बट ये SJG की ही है, और ये LED वाली है, फोकस वो वाली नहीं, KZ30 नहीं है, इसका कोई और मॉडल नंबर है, मैं फिर भी सर्च करके देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो काफ़ी अच्छी भाई ने मॉडिफिकेशन कर रखी है इसकी लाइट का, मैं रिस्पॉन्स एक बार आपको और ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई ने येलो करा रखी है फिलहाल, क्योंकि अभी क्या है दिल्ली में फॉग होना स्टार्ट हो गई, तो भाई ने उसके हिसाब से
येलो कर रखी है, दोनों लाइट्स भाई ने येलो कर रखी है, काफ़ी अच्छी लग रही है दूर से और लुक ऑफिस का एनहांस कर रखी है। ठीक है, सो फटाफट से चलते हैं, इसके ओनर से मिलाता हूँ। भाई अमन भाई है हमारे, जिनकी ये बाइक है। भाई एक बार मास्क नीचे कर दो, शक्ल दिखा दो, भाई लोग को भी पहचानने में ईजी रहता है। ठीक है, अमन भाई हमारे यूट्यूब पे नहीं इंस्टाग्राम पे है। हाँ, किस नाम से हो इंस्टाग्राम पे? मंदिर 1189। भाई भाई को जाके फॉलो करो, भाई की काफी अच्छी बाइक, भाई ने बाइक बना रखी। तो भाई कितना टाइम हो गया तुम्हारा इस बाइक को? मैंने ली थी 2019 मार्च। ओके, 2019 मतलब ऑलमोस्ट डेढ़ साल ऑलमोस्ट हो ही गया इस बाइक को। तो भाई कितनी चला ली बताइए भाई? ये चला ली मैंने मतलब 25 चला ली है। 25 चला ली है तो अभी तक बाइक में कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत ज्यादा कुछ इशू नहीं है, बस चेन का ही है। चेन मैंने 2-3 बार करवाई है, बिकॉज चेन का ही बस दिक्कत है। तो मतलब चेन सेट चेंज हुआ था? हाँ, चेन सेट मेरा 2 बार चेंज हुआ है। 2 बार चेंज हो गया और कितना? 25,000 चली हुई। 25,000 में? 25,000 भाई 2 बार चेन सेट चेंज हो गया। भाई बता दो कुछ प्रॉब्लम थी, उसके अलावा कोई और दिक्कत मेजर अभी तक? और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अच्छी चल रही है। और अभी तक कोई एक्सीडेंट वगैरह? कि मैं बता रहा था कि एक क्रैश गार्ड के ऊपर ये लगा हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ भाई, ये कब कैसे हुआ था? एक्चुअली आगे से एक टैक्सी में बम्प हुई थी। ओके, टैक्सी वाला ने एकदम सडन ब्रेक लगाई थी। हाँ, उतरे में मेरा यहाँ से ये शॉकर अंदर, वो मेरा ये भी था, तो उधर से हुआ था। बाकी मेरा तो भाई अपना एक, मेरे को एक चीज बस रोकूंगा, एक चीज मेरे को ये बताओ, ये क्रैश गार्ड मतलब थे कामयाब थे? मतलब इसने प्रोटेक्ट किया था बहुत अच्छे से, जैसे मैंने उसके बाद उसको कुछ भी नहीं कराया। ओके, नीचे गिरी, उठाया, स्टार्ट हो गया आराम से स्टार्ट हो गया, चलने की कंडीशन में थी भाई, और आराम से बिल्कुल। इसका था रेडिएटर सिर्फ लीक करता, और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देख सकते हो, अगर आप चाहो ये जाना का क्रैश गार्ड लगाना, काफी अच्छा है, भाई ने रिस्पांस तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो भाई की ये बाइक थी, मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग को कैसी लगी। और भाई मैंने रात में तुम्हारी देखा, यहाँ पे नीचे LED जलती है, कैसे जल रही होती है? रात में ये फॉगलाइट ऑन करता हूं ना, तब ये नीचे में जलती है अभी। तो भाई ये चीज आपको दिखाना भूल गया था, भाई ने नीचे कुछ LEDs लगा रखी है, ब्रेक से कनेक्टेड है या जलती रहती है? नॉर्मल फॉगलाइट के साथ कर। ओके, फॉगलाइट के साथ ही है, जब रात में ऑन करता भाई बहुत प्यारी लगती। कभी भाई रात में और हम ब्लॉग कर रहे तो जरूर इस बाइक को फिर से एक बार कवर करके दिखाऊंगा। तो भाई ये थी भाई की बाइक, कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो नीचे कमेंट कर सकते हो, भाई को जाके फॉलो करना। ठीक है, हमारे साथ अमन भाई है, अमन भाई की बाइक थी है, और कमेंट कर बताने कैसी लगी। मेरे को काफी अच्छी लगी, पर्सनली बताऊं काफी सारी भाई ने मॉडिफिकेशन वगैरह कर रखी है, और प्रॉपर टूरिंग पर्पज से भाई ने बाइक को बना रखी है। भाई अभी तक टूर वगैरह करा है? इतना मतलब काम वाम करा रखा है वगैरह? हाँ करे हैं, प्लान्स भी है काफी। अच्छा चलो, प्लान भी है, होपफुली फ्यूचर में शायद हमारे साथ भी कभी भाई का जाना हुआ तो भाई की बाइक आपको दिखती रहेगी। तो एक ये भाई पीछे से बाइक उड़ाते हुए यहाँ पे लोग जाते रहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग हैं कटवारसराय तंकुश पे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, भाई 1000 होने वाले हैं। और बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखो, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना अगर यहाँ तक देख लिया हो तो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टिल डन बाय, राइड सेफ।